दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों आईपीएल 2020 का 19वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला भी काफ़ी रोमांचक रहा। आपको बता दें आरसीबी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत ही शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने तूफानी पारी खेली। हालांकि पावर प्ले के बाद पृथ्वी शॉ डिविलियर्स के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 23 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 42 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 4थी गेंद पर दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन भी कैच आउट हुए। अपनी पारी में धवन ने 28 गेंदें खेलकर 32 रन बनाए जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर इस मैच में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 12वें ओवर की 3री गेंद पर 11 रन बनाकर कैच आउट हुए। ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस के बीच एक बढ़िया साझेदारी हुई और इन दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 170 रनों के पार पहुंचाया। 19वें ओवर की 2री गेंद पर ऋषभ पंत आउट हुए। अपनी पारी में पंत ने 25 गेंदें खेलकर 37 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे। इसी तरह से दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस 26 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे जिसमें उन्होंने 6 चौके और 2 बड़े छक्के मारे। दूसरी छोर पर खड़े शिमरन हेटमायर 7 गेंद में 11 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों आपको बता दें कि 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और 3रे ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल आउट हुए। उन्होंने 6 गेंदों में मात्र 4 रन बनाए। इससे पहले कि आरसीबी की टीम संभल पाती तुरंत ही 4थे ओवर की आखिरी गेंद पर दूसरे सलामी बल्लेबाज एरॉन फिंच भी आउट हुए। विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने उनका कैच पकड़ा। फिंच ने 14 गेंदें खेलकर 13 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल था। इसके बाद दोस्तों आरसीबी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी कैच आउट हो गए। डिविलियर्स ने 6 गेंदों में 2 चौके की मदद से 9 रन बनाए। इसके बाद मोइन अली और कप्तान विराट कोहली के बीच अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी कि तभी 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोइन अली भी एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हुए। 75 रन के स्कोर पर आरसीबी के 4 विकेट गिर चुके थे और दबाव भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था कि तभी 14वें ओवर की 3री गेंद पर कप्तान विराट कोहली भी आउट हो गए। उन्होंने 39 गेंदें खेलकर 43 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब दोस्तों इस मैच में जिस तरह की पारी पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस ने खेली उसी की वजह से दिल्ली का स्कोर 200 के करीब पहुंच पाया। ऐसे में अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से किस बल्लेबाज की पारी सबसे बढ़िया लगी। नीचे कमेंट करके ध्यान से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आईपीएल 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।